कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन की लोकेशनों ने बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ रखी है। इन दिनों जनपद के कोयला अलीपुर गांव में ईगल होम एंटरटेनमेंट के बैनर तले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कफ्फारा नामक बेब फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके डायरेक्टर प्रीतेश श्रीवास्तव और प्रोड्यूसर अभिषेक सक्सेना, सुरेंद्र जुनेजा एवं अतुल द्विवेदी हैं। बेब फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता राजेश शर्मा, विभाग आनंद, बालिका वधु फ्रेम, तरनजीत कौर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक सक्सेना ने बताया कि कान्हा की नगरी से उन्हें बेहद लगाव रहा है। पूर्व में भी उन्होंने मथुरा जनपद में हिंदी फीचर फिल्म फुल्लू की शूटिंग की थी, जिसे लोगों ने बेहद प्यार दिया था। पहली बार की शानदार सफलता के बाद वह मथुरा वृंदावन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बेब फिल्म कफ्फारा की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें ब्रज कलाकारों को भी काम करने का मौका मिलेगा, जिससे कि ब्रज कलाकारों की प्रतिभा को भी निखारा जा सकेगा। ब्रज कलाकार दुर्गी भैया ने बताया कि कान्हा की नगरी ने टॉयलेट एक प्रेम कथा, लुका छुपी, ड्रीम गर्ल जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। बॉलीवुड में इन दिनों कान्हा की नगरी की लोकेशनों ने अपनी अलग छाप छोड़ रखी है। कफ्फारा फिल्म से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। मथुरा से वॉइस फॉर नेशन के लिए संवाददाता दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन में दिनेश सिंह तरकर। आज हमें कान्हा की नगरी यमुना किनारे कोयला अलीपुर गांव में आज यहां मूवीज की शूटिंग शुरू हो रही है। आज जानते हैं क्या मूवीज की शूटिंग है, विशेष को लेके हमारे साथ हैं मूवीज के प्रोड्यूसर अभिषेक सक्सेना जी। जी सर, किस मूवीज को लेकर आज आप यहाँ आए हुए हैं, कौन सी मूवीज की शूटिंग है? ये एक कफ्फारा नाम की पिक्चर है, जिसका कफ्फारा का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो उसको लेके हम एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आंदोलन को लेके कंटेंट हमने तैयार किया है, तो उसके अंतर्गत ये पिक्चर बनाई जा रही है। पिछली पिक्चर भी हमने यहाँ पे बनाई थी, फुल्लू पिक्चर बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी रही। और बाकी कृष्ण नगरी में यहाँ के जितने लोग हैं, आप लोग हैं, इतना प्यार है कि हमें दूसरी बार खींच लाया है यहाँ पे। सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर सरकार भी एक मुहिम चला रही है, आज आप भी कान्हा की नगरी में आए, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे लोगों को? संदेश यही दूंगा, जो मुहिम चला रही है सरकार वो इतना ज़बरदस्त मुहिम है कि उसी से इंस्पायर हो कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर के अंदर, हर किसी भी शहर के अंदर फिल्मों से बहुत लोग अभावित होते हैं, उनको ये हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा हमें करना है, तो इसलिए इस तरीके की पिक्चर बनाई जा रही ताकि वो लोग इंस्पायर हों इस चीज़ से। पूर्व में भी सर आपने कान्हा की नगरी में एक फुल्लू की फैन पिक्चर बनाई, काफ़ी अच्छी मूवी रही जी। लोगों का प्यार है, ब्रजवासियों का काफ़ी आपको प्यार मिला, आपकी फिल्म को भी प्यार मिला, अभी आप आए क्या कहेंगे ब्रजवासियों को? बस ब्रज का प्यार है और ब्रजवासियों का प्यार है, कान्हा का प्यार है, जो हमें खींच लाता है उनकी भक्ति में लगे हैं, बस हम लोग वर्क कर रहे हैं काम अपना। मूवीज में सब ब्रज कलाकारों को भी काम करने का मौका? बिल्कुल, बहुत लोगों को, अभी तक हम लोग 4 दिन हो गए हमें शूट करते, काफ़ी कलाकार को हमने लिया यहाँ से, और मेरे ख्याल से 50-60 के तकरीबन कलाकार आपके ब्रज नगरी के ही हैं ऐसे लोग। कान्हा की नगरी में आए सर, एक ऐसा क्या संदेश और संदेश यही है कि बस ऊपर वाले से डरिए और अपने घर की जो बेटियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनका किसी से कम ना समझे, उनको लड़कों से कम ना समझा जाए। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे शहरों में हम देखते हैं कि लड़का 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 वो सब बहुत है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आजकल में किन किन कलाकारों द्वारा अभिनय किया जा रहा है? इसमें विभा आनंद है, जो कि बालिका वधु फेम है, काफ़ी उन्होंने सीरियल्स किए हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, कुछ पिक्चरें भी करी हैं, अभी अमेजोन पर भी उनकी एक पिक्चर आने वाली है, अमेजोन प्राइम, आजकल डिजिटल का जैसे ज़माना है। और राजेश शर्मा जी हैं, जो अभी आपका ड्रीम गर्ल में थे, आपकी ही मथुरा में उनकी शूटिंग हुई थी ड्रीम गर्ल पिक्चर की जी, तेवर में टॉयलेट एक प्रेम कथा, ब्रज में उन्हें काफी लगाव रहा, बहुत लगाव रहा। कल भी हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो उनको हर दुकान बताती, हमें बता रही थी यहाँ की कचौड़ी खाइए, यहाँ की गुलाब जामुन खाइए, तो उनको इतना अनुभव हो चुका है यहाँ पे शूटिंग करते हुए। और एक हैं तरनजीत कौर, वो हॉलीवुड फिल्में करती हैं, उन्होंने हिंदी फिल्में भी करी हैं, स्पेशल 26 वगैरह की है उन्होंने, और एयरलिफ्ट की है। तो ये हैं कलाकार मेन, बाकी सब आपके नाम बढ़ा रही हैं, उतने शायद लड़के भी नहीं आज की डेट में पढ़े लिखे हैं। जी सर, किस बैनर के अंतर्गत ये मूवी? ये ईगल होम एंटरटेनमेंट कंपनी है, जो कि 40 साल पुरानी कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, तो उसके अंतर्गत ये पिक्चर बनाई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे कफ्फारा मूवीज के प्रोड्यूसर अभिषेक सक्सेना जी। उन्होंने बताया कि मूवीज का जो कंटेंट है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर है। ऐसे ही बने रहिए वॉइस फॉर नेशन के लिए तेज तरार खबरों के लिए। मैं सौरभ सिसोदिया के साथ, मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।